कि कहाँ जाएं, किसको बोलें, किसके माध्यम से बोलें। प्रशासन डीएम तक हम एप्लीकेशन दे के आए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, अथॉरिटी को उनको भी दिया है, जन सुनवाई है, उस पर भी हमने आईडी क्रिएट करी है, बट कहीं से भी अभी तक कोई आश्वासन की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है मुझे। तब से ही किसी का पानी आ जाता है 4 साल के अंदर, तो क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे या ये आ जाता है कि इस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है कि एक छत, मतलब ड्राइंग रूम की छत से मिडल में ही पानी आ जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ में गौर सिटी के एक बायर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इनकी तमाम समस्याएं हैं और इसी समस्या को लेकर ये हमारे न्यूज़ रूम में आए हुए हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप, गौर सिटी में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, क्या समस्याएँ हो रही हैं? मैं 4 साल से वहाँ पर रह रहा हूँ। मेंटेनेंस के नाम पर कोई सर्विस नहीं है उनकी। अगर हम कोई कंप्लेंट करते हैं तो उनका स्टाफ नहीं, मतलब बहुत टाइम लगा के आता है, और स्टाफ जो क्वालिटी का नहीं है, मतलब ऐसे ही है, मतलब जैसे कि बिल्कुल लेमैन टाइप के, और मटेरियल भी ढंग से यूज़ नहीं करते ये लोग। मैंने 2022 में भी इनको कंप्लेंट डाली थी, बट उसका मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया आज दिन तक। अब मेरा फ्लैट में पानी आ गया ड्राइंग रूम में, और उसकी कुछ भी ये लोग एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसके अगेंस्ट में इनको मेल डाली है, डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, जन सुनाई पे मैंने आईडी क्रिएट किया, अथॉरिटी के आईएएस ऑफिसर हैं सौम्या श्रीवास्तव, उनको भी मेल डाला, बट किसी की तरफ से अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। 4-5 दिन हो चुके हैं, और बिल्डर की तरफ से मेरी कल पर्सनल कुरियर भी रोक दिए गए गार्डों ने, और मुझे परेशान किया जा रहा है वहाँ पर। एक चीज़ ये बताइए, जैसे तमाम चीज़ें हैं आपके उससे, जो उनका मीडिया प्रभारी है उनसे हमारी बातचीत हुई फ़ोन के, व्हाट्सएप के जरिए, तो उनका ये कहना था कि भाई जिसकी जिसके लिए आपके लिए ही हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक खबर भी चलाए थे, आपके छत से पानी यानी टपकने की समस्याएं थी, तो उनका ये कहना था कि वो मेंटेनेंस नहीं जमा किए हैं। ऐसे और भी कई लोग हैं जो मेंटेनेंस नहीं जमा किए हैं। मेंटेनेंस वहाँ पे 40% लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, मेंटेनेंस पुअर क्वालिटी है। सेंटर पानी पानी टपकने वाली जैसे समस्या हो रही, तब से आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं कि पहले से ही आप रोक के रखे हैं? मैं 4 साल से मेंटेनेंस दे रहा था, इनको एडवांस में मेंटेनेंस दे रहा था, बट इनकी सर्विस प्रॉपर नहीं है। सेंटर पार्क ढंग का बना हुआ नहीं है, क्लब में इनकी साइकिल के ऊपर सीट होती है बैठने के लिए, वो ढीली है। कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेंट किया पर कोई एक्शन ही नहीं होता वहाँ पर। तो फिर मैंने इनको मेल डाली थी एक पूरा 2022 में बना के कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये कमियां हैं आपके प्रोजेक्ट में, इनको पूरा करिए, बट इनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो अभी क्या है, अभी क्या माहौल बना हुआ है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, भाई किस तरह से जो है आपकी समस्या पर ये एक्शन लेंगे, क्या कुछ मतलब रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पहले तो बोल रहे थे कि करेंगे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। कई अखबारों में भी निकला और तमाम चीज़ें हुई, तो उसके बाद क्या आपको कुछ उन्होंने मैसेज किया कि भाई क्या है, क्या कैसे? नहीं, कोई मैसेज नहीं किया, उल्टा मैं इनको फ़ोन करता हूँ तब ये जाके बोलते हैं कि ठीक है। पहले तो बोल रहे थे कि करवा देंगे, अब बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं करवाएंगे। जब से न्यूज़पेपर में आया है, अमर उजाला में आया, हिंदुस्तान टाइम्स में आया, आपके चैनल पे आया, तब से उनके मतलब एकदम तेवर बदल गए हैं। कोई मेरा इतना बड़ा मेंटेनेंस नहीं है कि मैंने कोई 4 साल से मेंटेनेंस रखा है, रोका हुआ है। मेरा 10-12 हज़ार रुपये का मेंटेनेंस है, 2-3 महीने से मैंने नहीं दिया। ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनकी सर्विस नहीं मिल पा रही। सिक्योरिटी देखोगे तो 60 साल से ऊपर इन्होंने एम्प्लाई रखे हुए हैं, उनको कुछ बोलते हैं तो सुनते कुछ हैं। तो हम कहाँ जाएं, किसको बोलें, किसके माध्यम से बोलें। प्रशासन डीएम तक हम एप्लीकेशन दे के आए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, अथॉरिटी को उनको भी दिया है, जन सुनवाई है, उस पर भी हमने आईडी क्रिएट करी है, बट कहीं से भी अभी तक कोई आश्वासन की तस्वीर नज़र नहीं आ रही है मेरे को। अच्छा, ये एक और शिकायतें मिलती हैं कि भाई वहाँ के जो बायर्स हैं वो धमकी देते हैं, वो जो बिल्डर हैं, बिल्डर बायर्स को धमकी देते हैं, क्या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं? बिल्डर की तरफ से मेरा कुरियर रोक दिया गया था, और ना ही वो कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, जबकि वो सुपरवाइज़र डेली हमसे बात करते हैं, अच्छे से हंसते खेलते हैं। उनको पता नहीं किसने ऊपर से बोल दिया कि इनके कुरियर रोक दो। काफ़ी अल्टीमेटली 2-3 घंटे लगे तब जाके वो मेरा कुरियर ऊपर मेरे घर में पहुँचा।
कूरियर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक डाक है, डाक को कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिसर रोक नहीं सकता। तीन चीज़ें हैं मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, एक है डाक, एक है अग्निशमक वाली गाड़ी और तीसरा एम्बुलेंस। इन चीज़ों को कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर किसी को ज़रूरत है, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, डेट शीट आ रही है, तो ये कैसे रोक देंगे? तो आपने पूछा नहीं भाई वजह क्या है, किस वजह से आपने रोका? कोई जवाब नहीं देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि ऊपर से बोला हुआ है हमें करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं। ये आपके मेंटेनेंस वाले कर रहे हैं? हाँ, मेंटेनेंस वाले कर रहे हैं कि ऊपर से हमें बोला गया है ऐसा करने के लिए और इसलिए हमने रोका है। ये सीलन की समस्या, पानी टपकने वाली समस्या केवल आपके इकलौते फ्लैट की नहीं, और भी कई लोगों ने इस पे जो है हमारे पास अपनी डिटेल्स भेजी हैं। तो क्या ये मतलब जिनके मेंटेनेंस नहीं भरे गए हैं उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जो मेंटेनेंस भर चुके हैं उनके रूम्स में भी? मेरे घर में जो पानी आया है ऊपर से आया है 25-10 से, तो वहाँ से पानी आया है, उन्होंने मेंटेनेंस दी हुई है, तो उनके घर में प्रॉब्लम है। तो नीचे आ गया पानी, तो मेंटेनेंस उन लोगों ने दी हुई, लेडी ने दे रखी है मेंटेनेंस, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे, यही समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे घर में काम तो मत करो, आप उनके घर में तो काम करो, वहाँ भी नहीं कर रहे। उनको भी आज बोलते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, डेट पे डेट चेंज करे जा रहे हैं। बिल्डर का साफ तौर पर कहना है, उनके जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे हमारी बात हुई कि भाई ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी तरफ से जो है ढिलाई होती है, बायर्स जो है उस हिसाब से हमें कॉपरेट नहीं करते हैं, जिस वजह से दिक्कतें आती हैं। तो क्या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं? मतलब किस तरह का कॉर्पोरेट चाहिए उनको? मतलब एक तो पहली चीज़ तो मेंटेनेंस से जुड़ी हुई चीज़ है कि मेंटेनेंस समय पे नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ है कि और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे जो है आप लोग वो दूसरे हिसाब से ट्रीट करते हैं, क्या मतलब आंदोलन हो गया या और प्रदर्शन वगैरह? देखो, अगर सर्विस नहीं मिल पाएंगी तो आंदोलन तो जनता करेगी ना, तो इसलिए आंदोलन होता है। पहले भी आंदोलन हुआ है तो वहाँ पे आपके माध्यम से ही न्यूज़ में आया, बट जो भी हमारी बायर्स की डिमांड थी कहाँ पूरे किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में। क्या चाहते क्या हैं आप, फाइनल क्या किया जाए, बिल्डर की तरफ से क्या किया जाए, प्रशासन से क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे? मेरी यही है कि अगर मतलब छत से ही किसी का पानी आ जाता है 4 साल के अंदर, तो क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि इस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है कि एक छत मतलब ड्राइंग रूम की छत से मिडल में ही पानी आ जा रहा है। फ्लैट आपने कितने का परचेज किया था? मैंने 43 विद रजिस्ट्री परचेज किया था। नियर अबाउट मान के चलिए 40-45 के करीब आपका गया होगा। 43 लाख का ग्रॉस है, मतलब ये यानी 43 लाख का फ्लैट और उसमें इस तरह की चीजें अगर आ रही हैं तो वाकई में ये ठीक नहीं है। तो आपने क्या जिस टाइम पे आप परचेज कर रहे थे उस टाइम पे भी आपको कुछ जानकारी मिली थी कि भाई गुणवत्ता में इनके जो है ढिलाई की जाएगी? जो भी उस टाइम मतलब दिखा था मैंने इनको, डॉक्यूमेंट्री किया था, मेल डाली थी, तब जाके मतलब इन लोगों ने थोड़ा वो जो काम किया, बट अभी भी मतलब जो अभी आप देख ही रहे हैं जो जहाँ से पानी आया है वहाँ पे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि ये कोरियन शटरिंग होती है उस वाले एरिया से ये ऊपर लेके जाते थे, उस वाले प्रॉपर एरिया को इन्होंने लॉक नहीं किया है, वो कच्चा छोड़ दिया है, इसलिए वहाँ से पानी आया है। जबकि ऊपर वाले घर में पूरे घर में पानी था, उनके ड्राइंग रूम में पानी था, उनके बेडरूम में पानी था, उनके किचन में पानी था और उनकी बालकोनी में पानी था, और जगह कहीं भी सीलन नहीं आई, सिर्फ पानी जो आया है वो ड्राइंग रूम में उस वाले एरिया से आया है जहाँ से ये शटरिंग ऊपर लेके जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों ने प्रॉपर काम नहीं किया है, सरिया डाल के उसे प्रॉपर लॉक करना था, वहाँ नहीं किया है लोग। इस तरह की समस्याएं तो वाकई में बारिश के समय में आती हैं, तो बारिश के समय में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। बारिश के टाइम में अगर देखा जाए तो बारिश के टाइम पानी अंदर नहीं आता, वो तो बारिश बाहर रहती है क्योंकि पानी अंदर नहीं गिरता। ये तो अनफॉर्चुनेटली गीजर का पाइप खुलने से पूरे फ्लैट में पानी भर गया और पोल पट्टी खुल गई इनकी कि किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है इन लोगों ने और किस तरह का हमें मतलब गुणवत्ता दी गई है। बारिश के समय में क्या कुछ समस्याएं आती हैं, पानी जल भराव की समस्याएं कुछ आपके सोसाइटी में होती हैं इस तरह की? जल भराई होती है, बेसमेंट फ्लोर में होती है, तो फिर ये उसे साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसे निकालते हैं पानी। बाकी तो और जगहों पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि आप जहाँ से आना जाना हो आपका उस जगह पे पानी कहीं इकट्ठा हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। साफ सफाई को लेकर बिल्डर की तरफ से क्या कुछ चीज़ें हैं? साफ सफाई प्रॉपर नहीं होती है, थोड़ा गंदा रहता है, कॉरिडोर साफ नहीं होते हैं, मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। यानी जिस तरह से जो अपेक्षाएं आप लोग लेकर फ्लैट परचेज किए थे
उस पर वाकई में काम उस तरह से नहीं हो रहा है। कॉमन एरिया तो बहुत ही मतलब डर्टी रहता है, मतलब प्रॉपर साफ सफाई नहीं है, हर जगह पान के निशान पड़े हुए हैं दीवारों पे, कोई भी उसको रोकने के लिए वहाँ पे है नहीं स्टाफ की, भाई गंदा क्यों कर रहे हो इसको, जो भी बाहर के स्टाफ आता है वहाँ पे तो वो लोग करते हैं वहाँ पे, फिर लेकिन सफाई नहीं होती, बार बार कंप्लेंट करते हैं तो फिर आ जाते हैं घर पे, रोज़ साइन कराने लग जाते हैं। आज की डेट में किसके पास टाइम है, जिसका जो काम है वो काम करेगा ना, वो काम नहीं कर रहा है और उल्टा मतलब फिर साइन कराने के आप बोझ और डाल देते हैं कि साइन करो सफाई हो गई है। आखिरी मैसेज आप अपना छोड़िए, बिल्डर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्डर को यही बोलना चाहूँगा, अगर प्रॉब्लम है तो उनको रिजॉल्व करे और ठीक करके दे हमें, क्योंकि छत एक बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी घर की, अगर वही लीक कर रही है तो फिर क्या ट्रस्ट किया जाएगा। मेंटेनेंस वगैरह अगर आपका ये सब सारी चीज़ें सही होती हैं तो उसे आप तुरंत रिजॉल्व कर देंगे? मेंटेनेंस तभी दी जाएगी जब हमें सर्विस मिलेंगी, अगर हमें सर्विस नहीं मिल रही है, कॉरिडोर साफ नहीं है, जो हमारा सेंटर पार्क है उसमें घास नहीं है, पूरा डस्ट उड़ती रहती है, धूल धक्कड़ उड़ता रहता है वहाँ पे, तो कैसे मेंटेनेंस देंगे, आप ही बताइए मुझे। ये भी बात सही है। तो जैसा कि देखा आपने, उमेश शर्मा जी हैं, इनके फ्लैट में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, सीलन की ज़्यादा समस्या है और उस पर हमने आपको पहले भी दिखाया था फ्लैट से किस तरह से पानी टपक रहा था, बाल्टियों में ये पानी भर के फिर उसके बाद अपने घर के बाहर या वॉशरूम में जैसे भी करके उसको ये बाहर कर रहे थे अपने घर से। लेकिन वाकई में ये समस्या बड़ी है, अगर इतने बड़े अमाउंट पे फ्लैट परचेज किया जा रहा है और उसके बाद इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो वाकई में ये बिल्डर के लिए बहुत शर्मनाक है और उनको सोचना चाहिए इस पर। और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जो इनकी प्रॉब्लम्स है उसको वो रिजॉल्व करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट इनके हिसाब से नहीं रुका हुआ है। इनका कहना है कि 2-3 महीने का हमारा जो भी मेंटेनेंस रुका हुआ है उसे हम तुरंत जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन बशर्ते ये है कि इनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो बिल्डर की तरफ से किया जाना चाहिए, सबसे पहले उस पर जो है काम करें, उसके बाद ही ये मेंटेनेंस को लेकर सब सारी चीज़ें ये क्लियर कर पाएंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।